ओके फ्रेंड्स, तो हम जो पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड. सिंस रेस्पिरेशन टू रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव डन एवरीथिंग, ठीक है? क्या होता है रेस्पिरेशन, एनएरोबिक एरोबिक, देन एनिमल्स में क्या क्या जो है डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होती है, हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस. देन हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, पहले पढ़ा था कि उसका फिजिकल लॉ क्या है जो कि डिपेंड करता है जिस पे कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. उसके बाद जो है हम धीरे धीरे कंप्लीट करते गए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू लेवल पे और एल्वेलाई लेवल पे कैसे जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का. और उसके बाद जो है हमने देखा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का रेगुलेशन और कंट्रोल कैसे होता है. रेगुलेशन और कंट्रोल के बाद जो है हमने डिफरेंट डिजीजेस देखी जो कि अफेक्ट कर सकती हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को, और साथ ही हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है? और हम उसकी जान बचा सकते हैं, ठीक? तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब क्या बचा है, ठीक है? तो नाउ इन दिस सेशन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन इनटू द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी, ठीक है? एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक है? 11th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर्स के बाद एक्सरसाइज दी गई है. मोस्टली जो क्वेश्चंस है इसी पे बेस्ड आते हैं एग्जाम्स में, और जो एमसीक्यूज भी हैं वो इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर वन जो है वो है डिफाइन द वाइटल कैपेसिटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, ठीक है? जिसमें हमें डिफाइन करना है कि भाई वाइटल कैपेसिटी क्या होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों वाइटल कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ वाइटल कैपेसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक? हमेशा जब भी आप जो है आंसर लिखेंगे तब कुछ बातें जो है बेसिक मैं आपको बताऊंगी जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हम हेडिंग लिखेंगे आंसर में. आंसर सबसे पहले दिया उन्होंने वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी को आप लिखें कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में, उसे अंडरलाइन करें या उसे बॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है? अब एक लाइन छोड़ के यहां से आप डिफाइन करें क्या होती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है? तो वाइटल कैपेसिटी लिख के सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन. ओके, हाउ अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इन एनी एग्जाम, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ ही राइट्स द आंसर, ठीक है? क्योंकि आंसर जो है एक ही है, सभी उसको जानते हैं, ठीक है? ऐसा होता है कि क्लास में से 100 में से एटलीस्ट 70% बच्चे जो है एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो जानते हैं, लेकिन हाउ वी राइट द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे हम उसे जो है लिखते हैं, कैसे हम उसके पॉइंट्स बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वेन एग्जामिनर्स चेक द आंसर शीट, तो उसको द एग्जाम जो शीट है आंसर शीट, इट शुड बी यू नो अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, इजीली समझ में आना चाहिए जो आपने लिखा है, ठीक है? इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उस पर हमेशा अंडरलाइंस कीजिए, ठीक है? जो मेन हेडिंग है उसको कैपिटल लेटर में लिखें, उसे बॉक्स आउट कर सकते हैं, बॉक्स में जो है ऐसे बॉक्स बना सकते हैं. साथ ही कुछ जिसमें सीरियल वाइज कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसे हमेशा फ्लो चार्ट्स में आप बनाइए, सो दैट वो इजी हो समझने में और एग्जामिनर्स को समझ में आए कि यस द स्टूडेंट नोज द आंसर वेरी वेल, तो यू शुड राइट इन दैट वे, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज
वेन एवर यू राइट द आंसर यू शुड राइट इंट इन टू द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट वाइज आप उसे लिखें कि वट एवर स्टोरी यू आर टेलिंग, ठीक है, कि दिस दिस इवेंट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस, तो दोज इवेंट यू शुड राइट इन टू द पॉइंट ऑल्सो, आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं साथ में पॉइंट्स में भी लिखिए. तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड, सिंस द रेस्पिरेशन वी हैव डन विद द डिजीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमने पढ़े. उसके साथ ही हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ी कि भाई जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है या मैमल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ी. उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा हम लोगों ने एट द सेल्यूलर लेवल, टिश्यूज में और एल्वियोलाइज में हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा. उसके बाद जो है हमने देखा कि रेगुलेशन कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन ब्रेन स्टेम के थ्रू होता है वो हमने देखा. उसके बाद हमने डिजीजेस देखी, ठीक है, तो नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज दैट इज द क्वेश्चनिंग गिवन इन टू द NCERT बायोलॉजी बुक ऑफ 11th क्लास, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आप कैसे जो है उसके आंसर्स को लिख सकते हैं, कैसे आप उन्हें जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम आंसर देखेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द अवर सेशंस आई विल टेल यू द आंसर्स हाउ यू कैन राइट दोज आंसर्स, ठीक है. तो सबसे पहली जो है NCERT बुक की मैं आपको बता रही हूँ, एक्सरसाइज NCERT book 11th, ठीक, एक्सरसाइज NCERT book 11th क्लास. सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द वाइटल कैपेसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या महत्व है हमारे शरीर में, ठीक है. तो वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ी थी जब हमने पढ़े थे पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, ठीक है, उस सेशन में हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था. वाइटल कैपेसिटी जब हम आंसर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, जब आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको आंसर लिखना रहता है, ठीक है, वो आंसर के लिए सबसे पहले जो हमारा आंसर है उसकी क्या लिखेंगे हम, जो हेडिंग है क्या पूछा है इसमें, वाइटल कैपेसिटी, तो या तो वाइटल कैपेसिटी अंडरलाइन कर दें, बॉक्स कर दें, और साथ ही आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा आंसर जो पूछा गया है आपको क्वेश्चनिंग में, तो उसके हेडिंग जो है उसकी हेडिंग डालें, कैपिटल लेटर में डालें, उसे अंडरलाइन करें या ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, और फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए कि उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है. एक्चुअली आप एग्जाम में हमें कितने मार्क मिलते हैं वो डिपेंड करता है हाउ वी राइट द आंसर, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, 100 में से 70% स्टूडेंट नोज द आंसर वेरी वेल, ठीक है, उन्हें पता रहता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, लेकिन उन्हें मार्क्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे रोट इट, ठीक है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें वो इस तरीके से लिखें कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, ओके. जैसे वाइटल कैपेसिटी डेफिनेशन में आप 3 लाइन की डेफिनेशन लिख दें और उसके बाद जो है पॉइंट्स में उसके जो बाकी सिग्निफिकेंस है वो हम उसके पॉइंट्स में लिखें, ठीक है. तो वाइटल कैपेसिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, द वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच we can which
द लंग कैन ब्रीद मैक्सिमम, ब्रीद इन द मैक्सिमम एंड कैन ब्रीद आउट द मैक्सिमम. ठीक है, क्या आंसर है इसका, कि जितना मैक्सिमम एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले. ये डेफिनेशन का पॉइंट हो गया पहला. दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला. वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, जो एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी होती है वो एयर होती है जितनी कि हम मैक्सिमम दैट इज फोर्स्ड एक्सपायरेशन में जितना वॉल्यूम हम ब्रेथ आउट कर सकते हैं और पोस्ट इंस्पिरेशन में हम जितना एयर का वॉल्यूम जो है ब्रेथ इन कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम और इसमें प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो कि हम नॉर्मली ब्रेथ इन करते हैं और ब्रेथ आउट करते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, फिर इसकी वैल्यू लिखे. ठीक है, ठीक, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो अराउंड 1500 ml होता है और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो अराउंड 2000 ml ऑफ एयर होता है. इस प्रकार जो वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम होता है वो होता है 4000 ml ऑफ एयर. ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट लिखे हैं आपने. ठीक, पहले डेफिनेशन लिख दी कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दिया हमने. ठीक है, अब हमें इसका जो सिग्निफिकेंस है वो लिखना है. तो सिग्निफिकेंस के लिए सिग्निफिकेंस लिखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी अंडरलाइन करेंगे और फिर उसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वाइटल कैपेसिटी का, वाइटल कैपेसिटी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो वाइटल कैपेसिटी है वो एथलीट्स में, वो जो है हाई ड्वेलर में, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उन लोगों में, और जो जो स्विमर्स होते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज के द्वारा जो अपनी वाइटल कैपेसिटी है उसे बढ़ा लेते हैं. और जो स्मोकर्स रहते हैं, ठीक है, तो ये दीज पॉइंट यू शुड राइट कि वाइटल कैपेसिटी किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है. ठीक है, तो स्मोकर्स जो होते हैं उसमें, स्मोकिंग करने वाले लोगों में जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनका जो लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सपैंड जो है वो नहीं हो पाते. स्मोकिंग के कारण जो हमारे जो एयर पैसेजेस हैं वो नैरो हो जाते हैं, इसलिए वाइटल कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है. और इस प्रकार जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो वॉल्यूम ऑफ एयर है विच वी कैन रिन्यू इनटू द ब्रीदिंग. ठीक है, हम और ब्रीदिंग जो ले सकते हैं वो वाइटल कैपेसिटी है. ठीक है, इसलिए वाइटल कैपेसिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि वो हमारी नॉर्मल है वाइटल कैपेसिटी तो दैट विल हेल्प इनटू द ऑक्सीजनेशन. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अच्छे से होगा. ठीक है, मोर द वाइटल कैपेसिटी मोर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. क्यों, क्योंकि जितनी हमारी वाइटल कैपेसिटी होगी उतना हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, उतनी हम एयर जो है अंदर ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन इन ले सकते हैं, और जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी ऑफ कोर्स उतना ही ऑक्सीजनेशन अच्छे से होगा, और उतनी ही ऑक्सीजन जो है उतनी ही अच्छे से हमारे बाकी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल पाएगी. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी, कि जितना अच्छे वाइटल कैपेसिटी होगी उतना ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अच्छे से होगा. तो दिस इज द आंसर, वाइटल कैपेसिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी. इसमें आप सारे पॉइंट लिखेंगे,
कि एथलीट स्विमर्स और हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों में जो है वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बढ़ी हुई होती है, और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें कम होती है। अब वाइटल कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस ये है कि जितनी अच्छी वाइटल कैपेसिटी होगी उतना ऑक्सीजनेशन ब्लड का अच्छा होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर वाइटल कैपेसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। वो एयर का वॉल्यूम जो कि हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में रहता है उसे क्या कहते हैं, उस एयर वॉल्यूम को बताइए। ठीक है, तो वो कौन सा एयर वॉल्यूम हुआ, वो हुआ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जब हम पल्मोनरी एयर वॉल्यूम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था डिफरेंट एयर वॉल्यूम देखे थे, उसमें हमने एक देखा था रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम था जब हम फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी, मतलब हम बहुत जोर लगा के फोर्सिबली यदि सांस छोड़ें तो भी एक वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स में रह जाता है, जिसे हमने कहा था रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तब हम फोर्सिबली एक्सपायर नहीं करते, हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं। इसलिए नॉर्मली एक्सपायर करने पर, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करने पर जो एयर वॉल्यूम लंग्स में रह जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मीन्स फंक्शनली जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है लंग्स में उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल इज द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि फोर्सिबली यदि करेंगे तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा और यदि नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो वो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है और इट इज वॉट, इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि जब हम बहुत फोर्सिबली एक्सपायर करते हैं उसके बाद भी एक रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है, और नॉर्मल में तो हम फोर्सिबली भी जो है एक्सपायर नहीं कर रहे, इसलिए जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होगा वो इन दोनों का सम टोटल ऑफ एयर वॉल्यूम होगा। तो इसकी जो रेंज है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है अराउंड 1500 ml, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 1000 से 1500 होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 2.5 to 3 liters ऑफ एयर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला यू शुड राइट, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ये लिखेंगे आंसर में कि भाई जो वॉल्यूम है एयर का आपने जो क्वेश्चन किया वो रेसिडुअल वॉल्यूम है हमारा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है ये है। तो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज नंबर 3। व्हाट इज इट, डिफ्यूजन ऑफ gases occurs in the alveolar region only and not in other parts
रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाई, ठीक, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स इन एल्वियुलर रीजन ओनली एंड नॉट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कभी कि वाई सिर्फ एल्वियुलर रीजन में ही ऐसा क्यों होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो एयर तो है वो नेजल पैसेज से होके, फेरिंग्स से होके, लैरिंग्स से होके, और फिर ब्रोंकस से होके, और ब्रोंकाई से होके, ब्रोंकियोल से होके, और फिर एल्वियोलाइज में जा रही हैं, तो क्यों सिर्फ एल्वियोलाई में हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आंसर इज कि जब हमने देखा था कि रेस्पिरेशन जो है उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ की गैसेस का एक्सचेंज होता है उनकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है, वो क्या क्या क्वालिटी होती है, तो वो हमने देखा था, ठीक है। हम लिखेंगे कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स इन एल्वियुलर रीजन ओनली बिकॉज द रेस्पिरेटरी सरफेस should have following qualities. अब वो qualities क्या क्या है, ठीक है, वो qualities क्या क्या है? The first quality is thin, moist and permeable, ठीक है, कि जो surface है, ठीक है, ये हम लिखेंगे पहला, और फिर डिफाइन करेंगे कि जो सरफेस है वो थिन, मॉइस्ट और परमिएबल होना चाहिए, जिससे गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली डिफ्यूज हो सके और एक्सचेंज हो सके गैसेस का। तो ये पहला पॉइंट, और इसको फिर हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन द पॉइंट कि क्यों थिन और मॉइस्ट होंगी और परमिएबल होगी यदि सरफेस, तो ही जो गैसेस हैं वो इजीली डिफ्यूज हो पाएगी। दूसरा, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया लार्ज होगा, इसको डिफाइन करेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है रेस्पिरेशन के लिए वो एरिया लार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो जितना लार्ज होगा उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज होगी, कहाँ से? एयर से और बॉडी में, और जो उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाली जा सकेगी। इसलिए क्योंकि एल्वियोलाइज जो होते हैं वो एन नंबर ऑफ एल्वियोलाइज हमारी बॉडीज में रहते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत बढ़ जाती है, उसके बलून लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो जो सरफेस है वो बेस्ट सरफेस है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट है कि द सरफेस शुड बी हाईली वैस्क्यूलर, ठीक, इसको डिफाइन करेंगे कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हाईली वैस्क्यूलर होना चाहिए, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत इनॉर्मस होनी चाहिए, अच्छे से वो वैस्क्यूलर होना चाहिए जो ऑर्गेन है, और ताकि जो ब्लड में जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो सके। इसलिए जो हमारे एल्वियोलाइज होते हैं वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और इसीलिए हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, वो एल्वियोलाइज में ही होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसी और पार्ट में नहीं, एल्वियोलाइज में होता है। तो इस तरह आप पूरा आंसर जो है वो डिफाइन करेंगे कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस की तीन क्वालिटी होती हैं, उन क्वालिटीज को डिफाइन करेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे कि एल्वियोलाइज ये तीनों क्वालिटी कंटेन करता है, इसलिए इट इज़ द बेस्ट सरफेस टू डू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एंड सो द रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डज नॉट हैपन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी।